नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जिले में पट्टा देने की एवज में 10,000 की घूस लेते नगरपालिका बिलाड़ा के जेएन पपूराम बैरवा को एसीबी स्पेशल यूनिट ने गिरफ्तार किया है। एसीबी निरीक्षक पुलिस अनु चौधरी ने बताया कि परिवादी गणपत ने शिकायत दी कि नगरपालिका बिलाड़ा में पिता के नाम से पट्टा जारी हुआ है, इसका कुछ क्षेत्रफल बढ़ाकर कच्ची बस्ती योजना में अपने नाम से पट्टा जारी करवाने के लिए नियमन शुल्क व लीज राशि की आवेदन फाइल 26 मई 2023 को जमा करवाई थी। जेएन पप्पूराम बैरवा ने पट्टा देने की एवज में 10,000 रुपये मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। जेएन ने नगरपालिका परिषद बरामदे में साइड में ही 10,000 रुपये लिए और एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे नगरपालिका में हड़कंप मच गया, अधिकांश कर्मचारी गायब हो गए। एसीबी जेएन के अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2016 के हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास व 2 आरोपियों को 4 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले के अनुसार 29 नवंबर 2016 की रात को 48 वर्षीय अहमद दोस्तों के साथ नाड़ी की अंगूर में अलाव ताप रहा था। बोलेरो में सवार आरोपी आए और अपहरण कर मारपीट की और बेहोशी की हालत में जेलन अस्पताल के सामने पटक कर चले गए। अहमद को डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी इसीलिए नाराज थे कि अहमद ने उनकी शिकायत एसपी से की थी। न्यायालय ने डुकोसी निवासी अनवर खां, नवाब खां, आरिफ खां, इमरान खान, इब्राहिम खान एवं हबीब खां को आजीवन कारावास तथा चात्रा मंजारा निवासी 50 वर्षीय जगदीश जाट व 26 वर्षीय रायथनो निवासी दयालराम जाट को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अहमद की विधवा को 2,00,000 रुपये आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने का आदेश दिया। टोंक के पचेवर थाना पुलिस ने 8 साल के बच्चे से भीख मंगवाने पर पिता और उसकी नानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 8 साल के बच्चे से भीख मंगवाते मंगवाते चंडीगढ़ तक पहुंच गए थे। 14 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में बाल कल्याण इकाई ने बच्चे को डिटेन कर और इसकी रिपोर्ट थाने को भेजी। बच्चा यहां का होने के कारण पुलिस ने बिना नंबर की रिपोर्ट पचेवर थाने भेजी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे से भीख मंगवाने का मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी राजमल कुमावत ने बताया कि 26 वर्षीय पिता निवासी बरौल व उसकी सास ने मिलकर 8 साल के बच्चे से भीख मंगवाना शुरू किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे से भीख मंगवाने वाले उसके पिता और नानी को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी बच्चा पढ़ रहा है। जोधपुर महामंदिर क्षेत्र में स्थित झालरे यानी पानी का कुंड पर अपने दोस्तों के साथ घूमने आए युवक की डूबने से मौत हो गई। उसने नहाने के लिए झालरे में छलांग लगाई लेकिन बाहर नहीं आया। साथ आए दोस्तों ने पुलिस व परिवार को सूचना दी। एसएचओ मुक्ता पारिख ने बताया कि सांसी बस्ती खोखरिया निवासी 20 वर्षीय श्रवण अपने दोस्तों के साथ आया था। 4 बजे नहाने के लिए झालरे में छलांग लगाई और डूब गया। गोताखोर व सिविल डिफेंस की टीम ने रात को उसका शव बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि दोस्तों के साथ दोपहर 3 बजे घूमने के लिए निकला था और झालरे में डूबा। श्रवण खास कटिंग का काम करता था। 4 वर्ष पहले ही शादी हुई और 2 बच्चे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू करेगा। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह सहमति बनी। आरयू के संगठक कॉलेज महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज सहित इससे संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा। आरयू ने 17 जून से आवेदन प्रक्रिया जारी की है। अंतिम तिथि 26 जून है। वीसी प्रोफेसर अजीव जैन बोले, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी है। सिलेबस की अंतिम रूप देने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के हर ब्लॉक में काउंसलर नियुक्त होंगे। वे सभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जाकर बच्चों की रुचि और क्षमता परख कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनने में मदद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद छात्र साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई के बजाय मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई करेंगे। चूरू जिले के सादुलपुर में वार्ड 3 में एक 6 वर्षीय बच्चे की घर में बने हौद में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मुबारक पुत्र मुश्ताक कायमखानी निवासी वार्ड 3 ने रिपोर्ट दी कि घर पर उसकी पत्नी हौद से पानी निकाल रही थी।
पास में ही उसका पुत्र तौफिक खेल रहा था। उसका बेटा खेलता हुआ पत्नी की तरफ दौड़कर आया और पैर फिसलने से वह पानी के हौद में गिर गया। पत्नी के शोर मचाने पर वह मौके पर पहुंचा, तब तक उसके पुत्र की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड इलाके में लाइट फॉल्ट ठीक कर रहे कार्मिक की डिस्कॉम अधिकारियों की लापरवाही से करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों व समाज के लोग भियाड़ डिस्कॉम ऑफिस के आगे शव लेकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन व अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में डिस्कॉम व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों से मुआवजे सहित विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन शव उठाने को लेकर राजी हुए। इससे पहले सोमवार को पूरे दिन गतिरोध चला। दरअसल भियाड़ डिस्कॉम ऑफिस के अधीन लाइट लाइनों का रख रखाव व फॉल्ट निकालकर लाइट सप्लाई करने के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया था। उसका कार्मिक जगदीश कुमार आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुई लाइट लाइन को ठीक करने के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीकर कोतवाली थाना पुलिस बीते एक सप्ताह में शहर में हुई दो चोरियों के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी करने वाली दो महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। तीनों शहर में कचरा बीनने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देते। ऐसे में रात के समय गश्त करने वाली पुलिस भी इन पर शक नहीं कर पाती। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि 14 जून को विनोद कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके कल्याण जी के मंदिर के नीचे दुकान है। रात को दुकान के ताले टूटे तोड़कर अज्ञात चोर ने करीब 2,30,000 का सामान पार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में शहर में लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए और गैंग की मुख्य सरगना 33 वर्षीय मधु बावरिया, नरंगी बावरिया और 38 वर्षीय काना खटीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ में अन्य भी कई खुलासे होने की संभावना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ठगी के साथ झांसे में लेकर मारपीट और लूट तक का हथियार बन रहा है। चित्तौड़गढ़ साइबर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश कर गुलाबपुरा फीलवाड़ा से तीन आरोपियों 23 वर्षीय प्रदीप राव निवासी सदर बाजार तसवारिया, 22 वर्षीय सुनील जट निवासी जूना गुलाबपुरा और 29 वर्षीय ओम प्रकाश जट निवासी जयसिंहपुरा तहसील हुरडा को गिरफ्तार कर पीड़ित से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद की है। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि 11 मई को ठोली मोहल्ला निवासी रजनीश भांड ने रिपोर्ट में बताया कि एक माह पूर्व उसके इंस्टाग्राम आईडी पर एक महिला की आईडी से रिक्वेस्ट आई। बाद में दोनों में बातचीत होने लगी। लड़की ने अपना नाम दीपिका सिंह चुंडावत और गुलाबपुरा से 10 किलोमीटर दूर कोटड़ी गांव की निवासी बताया। दीपिका ने 8 मई को उसे मैसेज कर ननिहाल रूपाहेली में किसी शादी में मिलने बुलाया। वह भीलवाड़ा से रूपाहेली भट्टा पहुंचा जहां दीपिका ने मैसेज करके ब्रिज के नीचे बुलाया। यहां एक लड़का उसे बाइक पर बैठा कर 10-15 किलोमीटर दूर एकांत में ले गया जहां पहले से 7-8 लड़के बैठे थे। सभी ने मुंह पर सफेद कपड़े बांध रखे थे। इन्होंने मारपीट कर मोबाइल छीना और सारी चैट डिलीट कर गले में पहनी सोने की चेन वे 10,000 रुपये लूट लिए। थोलपुर में पैदल घर जा रहे राहगीर को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके भाई ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई सम्मोखन गुजर ने बताया कि सुबह के पहर वह अपने बड़े भाई 49 वर्षीय भगवान सिंह निवासी करील वाले सैयद के साथ घूमने के लिए निकला था। वाटर वॉक्स चौराहे का चक्कर लगाने के बाद दोनों भाई वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान श्रीराम होटल के पास तेज गति से आई बाइक ने उसके भाई भगवान सिंह को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया। भगवान सिंह दूध डेयरी का काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर जिले में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला की पहचान 40 वर्षीय मछला निवासी खदेरा उच्चैन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मछला घर में लगी आटा चक्की पर आटा पीस रही थी, उसी दौरान करंट लग गया, जिसके बाद महिला को आरबीएम अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने के समय महिला घर में अकेली थी। मृतका के परिजन कृषि कार्यों के लिए खेतों में गए हुए थे। परिजन शव का बिना पोस्टमार्टम करवाए ही ले गए।